بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 95 96 97 یہ آج کا ہمارا سبق ہے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں اور دلائل بھی وہاں سے کہ جو عام فہم ہے دیہاتی بھی سمجھتا ہے شہری بھی سمجھتا ہے پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھتا ہے ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی سمجھتا ہے ان اللہ ان بے شک اللہ بے شک اللہ فالق چھیرنے والا پھاڑنے والا چھیرنے والا الحب کس کو دانے کو ونوا اور گٹھلی کو دانے کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پودا نکال دیتے ہیں جس سے گندم جو مکئی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور گٹھلی پھاڑ کر وہ بڑا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ درخت لگا دیتا ہے اور اس پہ پھر پھل لاتا ہے یہ نظام قدرت ہے جو اللہ چلا رہا ہے یخرج الحی یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردے سے انڈے سے مرغی نکل آتی ہے انڈا بے جان ہے اور مرغی میں جان ہے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے نطفے میں جان نہیں ہے اور اب انسان میں جان ہوتی ہے ومخرج المیت اور نکالنے والا المیت بے جان کو من الحی جاندار سے وہی پھر مرغی سے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انڈا پیدا کر دیتے ہیں اسی انسان سے جو جاندار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نطفہ اسی کے جسم سے پھر نکلتا ہے یہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں ذالکم اللہ یہی تمہارے اللہ ہے فأنا تؤفکون کہاں بہکے جا رہے ہو ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے فأنا پس کہاں تؤفکون بہکنا بھٹکنا کہاں بھٹکے جا رہے ہو کہاں بہکے جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی طرف اپنی توجہات تم نے کی ہوئی ہے یہ تو زمینی چیزیں بتا دی آگے پھر فالق الاصباح پاڑ کر چیر کر نکالنے والا الاصباح اندھیروں کو چھیرا جاتا ہے اور اس سے صبح کو قرآن میں سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق وہاں پر ہم ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں نا آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی یہ فلق وہاں پر بھی صبح کو کہتے اس لیے ہے کہ یہ اندھیرے کو چھیر کر یہ روشنی باہر نکلتی ہے اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا اور بنایا ہوا اس اللہ نے اللیل رات کو سکنا سکون آرام کے لیے سوائے چمگادڑ کے یہ راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو اب تو بہرحال ہم بھی تقریباً سارے چمگادڑ ہی بن گئے راتوں کو
जागना और दिन को सोना। वजह अल्लैल सकना, रात के घंटे की नींद सारे दिन की नींद से उसका फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम के तहत जो चीज़ जिसके लिए बनाई है ना, उसका अपना फ़ायदा है। वजह अल्लैल सकना व शम्स वल क़मर, और सूरज वल क़मर और चाँद, हुस्बाना हिसाब से। क्या मतलब? जिस तरतीब से अल्लाह ने उनको रखा, बनाया और जिस तरतीब से चलाया, उसमें एक सेकंड का भी ये अल्लाह का हिसाब है, ये हमारा हिसाब नहीं है। हुस्बान ज़ालिक तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा है। ये जो हिसाब है ना, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसका अंदाज़ा है? ये तकदीर है, अंदाज़ा है। अल अज़ीज़ ज़बरदस्त, और सिर्फ ज़बरदस्त नहीं है, आलिम जानता भी है। इसलिए जानने की सिफ्त भी है और ज़बरदस्ती और जना अज़ीज़ वाली सिफ्त भी है। इन दोनों सिफात के साथ जब रब अंदाज़ा लगाते हैं तो उस अंदाज़े में सारी दुनिया के लोग अगर उसमें कोई नुक्स निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते हैं। ये वजाल वशम्स वल क़मर हुस्बान ज़ालिक, का ये तकदीर अंदाज़ा है। अल अज़ीज़ ज़बरदस्त, अल अलीम जानने वाले। वहुवल्लज़ी, और वो अल्लज़ी वो ज़ात है, जिसने जअल लकुम बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अन्नुजूमा सितारों को, लितहतदू बिहा ताकि तुम राह पाओ बिहा इसके जरिए से। ये समंदरी सारा निज़ाम है ना, सारा इसके कि भाई किधर जा रहे हैं, कौन सा जैना कौन से सिमत पे जा रहे हैं, ये सारा किधर से हो रहा है, ये सारा सितारों के साथ। अगर आसमान से सितारे हटा दिए जाए तो बिल्कुल ये समंदर में जाने वाला बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको कुछ भी नहीं। इसी तरह फिर रात को, सारी बातें सारी दुनिया के पास तो मैप या ये चीज़ें नहीं होती ना, हर जगह होती है। और अल्लाह का जो निज़ाम है ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए नहीं है, वो तो हर बंदे के लिए। इसलिए जंगल में कोई बंदा जाता है तो सितारे को सितारों से पता चलता है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये मशरक़ है, ये मगरब है, इस तरफ ये इलाका पड़ता है, इस तरफ ये इलाका पड़ता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बनाया, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, समंदर और खुश्की की अंधेरों में, ताकि तुम इससे रास्ता पाओ। ताकि फ़ी ज़ुलुमातिल बर्र वल, समंदर और खुश्की, ज़ुलुमात के अंधेरों फी में, क़द फ़स्सलना आयत, तहक़ीक़ फ़स्सलना खोल कर बयान कर दिए, अल आयत निशानियाँ, लिक़ौमिन उस कौम के लिए, यालमून जो यहाँ जानने से मुराद अक़ल या बसीरत। इलम तो सबको है भाई, दाना निकलता है उस पर पौधा लगता है, गुठली निकलती है उस पर दरख्त लगता है, सितारों ये निज़ाम ये सारा सबको पता है, इलम सबके पास है। यहाँ इलम से मुराद क्या है? अक़ल है या बसीरत है, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इन फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और फिर कहता क्या है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। तो ये बसीरत है, उसके लिए हमने ये चीज़ें खोल खोल के बयान की, और जिसमें बसीरत ही नहीं है और कभी उसने गौर इसमें किया नहीं है, उसके लिए बस ये दुनिया है और एक निज़ाम है, जैसे कि
जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो कहते हैं बस ये कैफा मत्तफक, इत्तेफाकी तौर पर बस ये दुनिया का निज़ाम है और चल रहा है और इसी तरह चलता जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला इसको चला रहे हैं। गालिबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का किसी दहरिया से कोई मुनाजरा था, तो उस मुनाजरे में वो यही था, दहरिया यही होता है कि जो अल्लाह के उसका मुनकर होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल टाइम मुकर्रर हुआ, एक जगह भी मुकर्रर हुई, इमाम साहब कहीं दरिया पार रहते थे तो वहाँ से वो आते हुए उन्होंने घंटा देर कर दी है और जानबूझ के देर कर दी है। तो जब वो आए हैं उधर तो उन्होंने कहा यार ये तो तुम्हारा इमाम है और तुम इसको मानते हो जिसको अपनी बात का और पास ही नहीं है, टाइम पे आया भी नहीं है, जिसको वक्त की पाबंदी का नहीं पता। उन्होंने कहा असल में मसला ही नहीं था, मैं तो आया लेकिन ना मसला हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं आ सका। उन्होंने कहा क्या मसला हुआ? उन्होंने कहा मैं जब आया दरिया के किनारे कश्ती कोई नहीं थी, इसलिए मैंने जो है ना वो इंतज़ार किया, कोई कश्ती इधर उधर कोई नज़र नहीं आई, मैं इंतज़ार करता। कहते इत्तेफाक से मैंने देखा वो दरख्त एक लगा हुआ था वो कटना शुरू हो गया, कटा, कट के जो है ना वो फिर मेरे सामने रहा और आके फिर जो है ना वो खुद ही जुड़ना शुरू हो गया, फिर उससे कश्ती बनी, फिर उसमें मैं बैठा और वो कश्ती खुद ही आके मुझे जो है ना वो दरिया पार करा दिया। तो वो दरिया ने कहा यार पागल है आप, ये कश्ती, ये दरख्त खुद कैसे कटे, खुद जो है ना उससे कश्ती कैसे बने जब उसको चलाने वाला कोई नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है। कहते यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कश्ती बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनती तो ये इतना बड़ा निज़ाम बगैर बनाने वाले के कैसे बना? जब कश्ती बगैर बनाने वाले के और चलाने वाले के चलती नहीं है, आप भी मानते हैं, तो ये इतना बड़ा निज़ाम बगैर चलाने वाले के कैसे चल रहा है? तो ये सब अल्लाह तबारक व ताला चला रहे हैं और ये तौहीद के अल्लाह तबारक व ताला जगह जगह पे दलाइल इसलिए देते हैं ताकि जो तौहीद का ईमान वालों के लिए तो यही है कि भाई अगर कहीं कोई तौहीद का अकीदा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया हो उसमें जो है ना वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाए और वो फिर कवी और मज़बूत हो जाए। अल्लाह मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।